ओके जी, आज का हमारा बैक का वर्कआउट है। इसमें देखिए, मैंने वेट अपनी बॉडी के साथ बेल्ट के ज़रिए लटकाया हुआ है और मैं फुल रेंज ऑफ मोशन की कोशिश करूँगा और 6 to 10 रेपिटेशंस की कोशिश करूँगा कंट्रोल फॉर्म में पुलअप्स। ये मेरा फोर्थ सेट है। हमेशा मैं आपको इस वर्कआउट में जो दिखा रहा हूँ, एक एक सेट दिखा रहा हूँ। और पहले 3 सेट्स जो है मैंने लाइट वेट, बॉडी वेट, ऐसा ऐसा वेट इंक्रीज़ किया। सो दिस इज़ माई फोर्थ सेट और कोशिश करनी है आपने फुल रेंज को यूज़ करते हुए। और अगर आप रेपिटेशंस पूरे ना कर सकें या कर भी लें तो बेहतर यही है कि आप वेट ड्रॉप करके मसल्स को और इंगेज करने के लिए और मसल टिश्यूज़ को वियर एंड टेयर करने के लिए आप बॉडी वेट के साथ और रेपिटेशंस कल कर सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ज़रूर करें। इसके बाद हमारी अगली एक्सरसाइज है जो कि है रोमेनियन डेडलिफ्ट्स। रोमेनियन डेडलिफ्ट्स क्या होते हैं कि जिसमें आपके घुटने थोड़े से बेंट होते हैं और वेट अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ यूज़ करें आप। इसके मेरी कोशिश ये है कि मैं 8 से 10 रेपिटेशंस करूँगा, कंट्रोल फॉर्म में करूँगा, फुल रेंज के साथ करूँगा, ऑल द वे अप एंड ऑल द वे डाउन। नीज बेंट रखूँगा मैं अपने कंट्रोल फॉर्म में। इसका भी मैं आपको, आई थिंक इसका 5th सेट मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि डेडलिफ्ट के मैंने 5 सेट्स किए थे। सो इट्स रियली अप टू यू कि आप 3 सेट्स करना चाह रहे हैं हर वर्जिश की हरकत के, या 5 अकॉर्डिंग टू योर फिटनेस लेवल। उसके बाद लैट पुल डाउन वाइड है। इसमें भी अगेन मेरी कोशिश ये है कि मैं 8 से 10 रेपिटेशंस हिट करूँ। देखिए, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा झटका नहीं ले रहा, मोमेंटम है, कंट्रोल फॉर्म में है, मसल्स को इंगेज कर रहा हूँ फुल रेंज में। आगे लैट्स को इंगेज करूँ जब मैं ऊपर जाता हूँ। इसके फौरन साथ अभी हमारा सुपर सेट है। इसमें हमने क्या करना है, ये करने के फौरन बाद टी बार में मैंने देखे वेट इंगेज किया, ऑलरेडी सेट किया हुआ है, और इस पर अब मैं कोशिश करूँगा कि 10 रेपिटेशंस 8 रेपिटेशंस शूट करने की कोशिश करूँगा। वेट अपने अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, योर फिटनेस लेवल के मुताबिक आपने माइंड मसल कनेक्शन होना चाहिए, इंगेज होने चाहिए आपके मसल्स कंट्रोल फॉर्म में। इंजरी का एहतमाल नहीं करना आपने। नाइस एंड स्लो, बिल्कुल मैंने ये हाथों की ग्रिप के साथ बिल्कुल क्लोज जो है नेक है बार की, वहाँ से पकड़ा हुआ है। मैं कोई हैंडल यूज़ नहीं कर रहा, हाथों की ग्रिप प्लेसमेंट के साथ 8 to 10 रेपिटेशंस कीजिए। और सेट्स रिपीट कीजिए, 5 करने हैं, 3 करने हैं, अप टू यू। उसके बाद हमारा अगला सुपर सेट है डी रिंग पुल डाउन। ये आपके लैट्स के इनर एरिया के लिए है, जो नहीं होता आर्मपिट के नीचे। उसके कुछ रेपिटेशंस करने के बाद आप बिहाइंड द नेक सेम वेट के साथ मैं कर रहा हूँ, इट्स अप टू यू। इसे मैं 3 एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेट करूँगा। अब बिहाइंड द नेक मैं कर रहा हूँ, पहले मैंने कोशिश थी, मेरा एम था कि मैं इसको 5 to 8 रेपिटेशंस हिट करूँ, और बिहाइंड द नेक में भी मेरी यही कोशिश थी कि मैं 5 to 8 रेपिटेशंस हिट करूँ। ये 3 एक्सरसाइजेस का सुपर सेट है। और इसके साथ अब मैं क्लोज ग्रिप कर रहा हूँ, क्लोज ग्रिप से मेरे जो इनर बैक है वो ट्रेन होगी। आपकी अपर बैक इन्वॉल्व है। पहली 2 एक्सरसाइजेज जो इस सुपर सेट की थी उसमें आपके टॉर्सो का जो एरिया होता है, लैट्स का लोअर एरिया, वो ट्रेन हो रहा था। और बिहाइंड द बैक वाले में आपका अपर बैक थी, इसमें भी अपर बैक इन्वॉल्व है और साथ लैट्स इन्वॉल्व हो रही हैं। सो वेरी बेनिफिशियल एक्सरसाइजेज दीज आर। बड़ी कंट्रोल फॉर्म में मैं ये देखें कर रहा हूँ। तो अप टू यू, 3 to 5 सेट्स आपने करने हैं अकॉर्डिंग टू योर फिटनेस लेवल। इसके बाद हमारी जी अगली एक्सरसाइज है, अगेन वाइड लैट बार यूज़ कर रहा हूँ अपनी बैक को उसकी विड्थ के लिए, कोबरा स्टाइल जो होती है ना बैक वी शेप, क्योंकि हमारा साइज़ और स्ट्रेंथ पे फोकस है मेनली, साइज़ के ऊपर तो स्ट्रेंथ के साथ साथ। तो अब देखें कि नाइस एंड कंट्रोल, कोई झटका नहीं, बड़ी कंट्रोल फॉर्म में मसल्स को इंगेज किया हुआ है मैंने। इसकी भी मेरी कोशिश है कि मैं 8 to 10 रेपिटेशंस कर रहा हूँ और बार को फुल आगे जाने दे रहा हूँ और कोशिश करूँ कि ज़्यादा पीछे ना जाऊँ, मसल्स को इंगेज रखूँ। अब इसके बाद हमारी अगली एक्सरसाइज है, ये इंक्लाइन बेंच के ऊपर नाइस एंड स्लो डंबल रोज करने हैं आपने। देखिए, बिल्कुल कंट्रोल फॉर्म में कर रहा हूँ मैं, मसल्स को इंगेज कर रहा हूँ, इनर बैक मसल, मिड बैक जो है उसके यूज़ हो रहे हैं, चेस्ट के ऊपर मैंने बेंच का एज है मेरा, उसके ऊपर मैं लेटा हुआ हूँ। नाइस एंड कंट्रोल, कोशिश ये है कि मैं 8 to 12 रेपिटेशंस हैवी जो है वो मैं ट्रेन कर सकूँ। इसके भी आपने 3 to 5 सेट्स, अप टू यू, जैसा कि मैं बताता आ रहा हूँ आपने करने हैं। पानी की स्मॉल सिपिंग करनी है, 1 से 2 मिनट का ब्रेक लेना है इन बिटवीन। उसके बाद हमारी लास्ट ये एक्सरसाइज है,
इसमें हमने स्ट्रेचेस करने हैं। बिल्कुल देखें किस तरह से मैंने बॉडी की पोजीशन रखी हुई है। आप अपनी रेंज जो है उस हिसाब से आप यूज़ करें। कंट्रोल फॉर्म के साथ बिल्कुल ऊपर स्ट्रेच किया, ऊपर रहते हुए लेफ्ट स्ट्रेच किया, ऊपर रहते हुए ब्रीथिंग साथ साथ करनी है, सांस लेना, राइट स्ट्रेच किया बिल्कुल एहतियात से। लोअर बॉडी जो है उठनी नहीं चाहिए, ज़मीन के साथ लगी रहे, एंड देन आपके हाथ वहीं रहेंगे बेंट हुए बैठे पीछे, और अपने हाथों की मदद से अपनी अपर बैक के मसल्स को, लैट्स को आगे की जाने पुल करना है आपने। इसके 3 सेट्स कीजिए, और ये था हमारा आज का बैक का वर्कआउट, स्ट्रेंथ एंड साइज़।